हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ रेगुलेटर एंड इंटरमीडियरीज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। इट रेगुलेट कमर्शियल बैंक बोथ इंडियन एंड फॉरेन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज वर्किंग इन इंडिया। It serves as a leader of the banking system and the money market. It regulates the money supply and the credit in the country. तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हों, चाहे वो इंडिया के बैंक्स हों, चाहे फॉरेन बैंक्स हों, ठीक है। इंडिया के बैंक आप समझते ही हो, SBI हो गया, PNB हो गया, फॉरेन बैंक मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इनको भी रेगुलेट करने का काम RBI का ही है, अगर वो इंडिया में हैं तब। और जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, तो जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनको भी RBI ही रेगुलेट करता है, वही गाइडलाइंस देता है। और किस तरीके से पैसे का पूरा फ्लो होगा मार्केट में, सारा कुछ जो डिसाइड, मनी सप्लाई कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किस सेक्टर को क्रेडिट देना है, किस सेक्टर को क्रेडिट नहीं देना, वो सारा कुछ RBI डिसाइड करता है इंडिया में। तो RBI क्या है? रेगुलेटर है, रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को और पूरे मार्केट को। कैसे बैंकिंग कंपनी काम करेगी, नॉन बैंकिंग कंपनी कैसे काम करेगी, सारा गाइडलाइंस RBI ही देता है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का मतलब जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है और रजिस्टर्ड भी इंडिया में है, उसको इंडियन बैंक कहते हैं। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक आते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा पब्लिक बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक में आ गए, HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब हो गए हमारे इंडियन बैंक्स। उसके बाद होते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब जिसका हेड ऑफिस कहीं फॉरेन में हो, इंडिया में ना हो, यहाँ पे केवल ब्रांच हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बैंक। तो एग्जांपल क्या है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, तो ये सब जितने भी हमारे बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, वो गाइडलाइंस RBI का ही मानते हैं, क्योंकि इंडिया में तो उनको RBI की बात माननी पड़ेगी। बाकी इनके जो हेड ऑफिसेज होते हैं वो इंडिया के बाहर होते थे, इनको हम फॉरेन बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आर द कंपनीज विच डू नॉट परफॉर्म नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो नॉर्मली बैंक की तरह फंक्शन नहीं करती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक एक सेक्टर में काम करती है, जैसे एग्जाम्पल हो गया DHFL, तो ये केवल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। अगर आपको होम लोन चाहिए तो DHFL आपको होम लोन देगा। मुथूट फाइनेंस हो गया, तो ये सब जितने भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये एक पर्टिकुलर कारण मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही काम करती हैं। इनका काम होता है पैसे को लोगों को एज ए लोन देना, और फिर वो इंटरेस्ट के साथ पैसे वसूलती हैं, क्लियर है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो बैंक की तरह काम नहीं करती, इनका काम करने का अपना अलग तरीका होता है। ये लोन प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअल्स को और कॉरपोरेट्स को, क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।